हे गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू ऑटो आंसर इन रेडमी नोट 11T 5G। रेडमी नोट 11T 5G में ऑटोमेटिक आंसर सेटिंग कैसे इनेबल करनी है जिससे कि आप ऑटो आंसर कर सकें, ऑटोमेटिक आंसर दे सकें। सो गाइस, वीडियो को एंड से देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। आपको जाना है अपने मोबाइल की डायलर में, और डायलर में जाने के बाद यहाँ से आपको 3 डॉट पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से आपको जाना है सेटिंग वाले ऑप्शन पर, सेटिंग पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ से आपको जाना है कॉलिंग अकाउंट पर, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको जाना है ऑटो आंसर वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर आपको ऑटो आंसर क्लिक कर देना है। और यहाँ से आपको ये जो है यहाँ से इनेबल कर देना है, और आप 3 सेकेंड में ऑटोमेटिक आंसर देना चाहते हैं या फिर 5 सेकेंड में, वो कर लेना है। और अगर आप हेडफोन के साथ आंसर करना चाहते हैं या फिर ब्लूटूथ के या फिर दोनों के साथ, आपके फ़ोन में अगर हेडफोन या फिर ब्लूटूथ लगी ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगा, या फिर चाहते हैं हेडफोन लगी हो या ना लगी हो या फिर ब्लूटूथ कनेक्ट हो या ना हो, ऑटोमेटिक आंसर हो जाए, तो इस पर ऑलवेज पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगा। आपका चाहे कनेक्ट हो या ना हो, फ़ोन रखा हो, ऑटोमेटिक आंसर हो जाता है। सो गाइस, मैं हेडफोन एंड ब्लूटूथ के साथ करता हूँ। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।